हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका फैकल्टी गणेश सोनडे। आज के इस वीडियो के अंदर हम ERGIP के शो कमांड्स और डिबग करके उसकी इन्फॉर्मेशंस या उनके अंदर आने वाले प्रॉब्लम को सॉल्व करके देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे सिनेरियो की तरफ। ये वही डायग्राम है जिसके ऊपर हमने अब तक हमारा ERGIP कॉन्फिगर किया था। तो मैं अब यहाँ पे अपने नासिक राउटर पे आने के बाद उसकी इन्फॉर्मेशन ग्रैब करने की कोशिश करता हूँ। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे एनेबल टाइप किया, शो IP रूट करके हम चेक कर लेते हैं। तो देखिए, पिछली बार हमने डिस्कस किया था कि ये नल जीरो क्या था, मतलब ऑटो समराइजेशन बाय डिफॉल्ट ऑन है और उसने समरी नेटवर्क ट्रांसफ़र किए। मैं चाहो तो इसे बंद भी कर सकता हूँ और मैं चाहो तो इसे ऐसे ही छोड़ भी सकता हूँ। साथ ही साथ यहाँ पे मुझे शो IP रूट ये कमांड चेक करके मैंने अपना राउटिंग टेबल तो देख लिया। शो IP प्रोटोकॉल करके हमने उस पर्टिकुलर प्रोटोकॉल की इन्फॉर्मेशन देखते ही, मतलब कौन सा राउटिंग प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर है। तो शो राउटिंग प्रोटोकॉल से मुझे पता चला कि यहाँ पे ERGIP कॉन्फ़िगर है, उससे रिलेटेड ये अदर इन्फॉर्मेशन। तो देखा जाए तो हमने अब तक दो शो कमांड देख ली है, शो IP रूट जो से आपका राउटिंग टेबल मिलता है, और शो IP प्रोटोकॉल जिससे आपको प्रोटोकॉल कौन सा है और कैसे कॉन्फ़िगर है उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हो। इसी तरह से और कुछ शो कमांड से जो अब हम यहाँ पे देखेंगे। तो शो IP अब मुझे यहाँ पे क्वेश्चन मार्क देना है। तो देखिए, फिलहाल मेरा जो इंटरेस्ट है वो ERGIP के अंदर है, तो यहाँ पे मुझे शो IP ERGIP ये कमांड देने के बाद फिर से यहाँ पे क्वेश्चन मार्क देना है। तो जैसे यहाँ पे मैंने क्वेश्चन मार्क देना शुरू किया, मेरे सामने उसके बाद यूज़ होने वाले ऑप्शंस की एंट्रीज नज़र आ रही है। तो जिसमें से सबसे पहली एंट्री जो हम देखेंगे ना, वो है हमारी इंटरफेस की एंट्री। सो शो IP ERGIP नेबर, माफ कीजिए, यहाँ पे हम इंटरफेस चेक करेंगे। सुनो, व्हाट इज़ दिस इंटरफेस एंट्री। देखिए, जब आप अपने उस राउटर के ऊपर ERGIP कॉन्फिगर करते हो ना, तो ERGIP कॉन्फिगर करने के बाद आपने कौन से इंटरफेस को, मतलब कौन से फिजिकल पोर्ट्स को, चाहे वो फास्टर के हो या सीरियल को, उनको ERGIP के अंदर इंक्लूड किया है, उनकी जानकारी आप यहाँ पे देख सकते हो। जैसे कि देखिए, जब हमने शो IP प्रोटोकॉल ये कमांड रन की, तो मुझे पता चल रहा है कि यहाँ पे चार नेटवर्क से, और ये चारों के चारे नेटवर्क किसी ना किसी इंटरफेस पे कनेक्टेड होंगे, तो वो यहाँ पे आप देख सकते हो। तो मेरा जो फास्ट है इतने 0/0 है, 0/1 है, सीरियल 0/1 और सीरियल 0/0, मतलब ठाणा का, माफ कीजिए, यहाँ पे हम नासिक राउटर पे हैं, नासिक राउटर के जितने भी इंटरफेस थे उन सभी के सभी इंटरफेस को हमने एक ही ERGIP के अंदर रखा है। ओके, सो इंटरफेस की इंफॉर्मेशन देखने के लिए हमने शो IP ERGIP इंटरफेस ये कमांड रन की, जिसके बाद मुझे पता चल रहा है उसका प्रोसेस नंबर क्या है, मतलब AS नंबर, साथ ही साथ उन्होंने किन के साथ पेयरिंग फॉर्म की है, 0 मतलब खुद की और 1 मतलब बाजू वाले की। ओके, एंड अदर इन्फॉर्मेशन। उसी तरह से शो IP ERGIP, अब यहाँ पे हम नेबर्स वाली इन्फॉर्मेशन देखेंगे। तो देखिए, राउटर ERGIP तीन तरह के टेबल मेंटेन करता है। एक है आपका राउटिंग टेबल, शो IP रूट, ये कमांड से आप आपके खुद के राउटिंग टेबल की जानकारी लेते हो। साथ ही साथ ये अपने नेबर टेबल की इन्फॉर्मेशन भी रखता है, मतलब उसके नेबर कौन कौन है। तो अगर आपको नेबर टेबल देखना रहा तो आपको ये कमांड रन करनी पड़ेगी, जो है शो IP ERGIP नेबर्स। यहाँ पे अगर मैं एंटर देता हूँ तो मुझे उसने स्पेसिफिकेशन भी पूछा है कि आप यहाँ पे AS नंबर भी दे सकते हो। ज़्यादातर क्या होता है कि कंपनी के अंदर एक ही राउटर मल्टीपल ERGIP से कॉन्फ़िगर होता है, मतलब कभी उसका AS नंबर कुछ अलग रहेगा तो कभी कुछ अलग रहेगा। ओके, तो उस वक्त आप पर्टिकुलर AS नंबर को स्पेसिफाई करके भी उसी AS से रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी देख सकते हो। तो चलो यहाँ पे दे देते, मुझे पता है कि मेरा ये जो AS नंबर है वो है 199। स्पेस देने के बाद क्वेश्चन मार्क CR आ गया, मतलब ये कमांड कंप्लीट। एंटर देने के बाद मुझे पता चल रहा है कि मेरे यहाँ पे दो नेबर्स है, जिसमें से एक जो नेबर है वो है 172.255.190.2, जो सीरियल 0/1 पे कनेक्टेड है, और दूसरा जो नेबर है 172.255.190.5, जो सीरियल 0/0 पे कनेक्टेड है।
जिसमें से ये एच एड्रेस, जिसमें से एच मतलब आपका होस्ट फर्स्ट कनेक्टेड। देखिए यहाँ पे नंबर 0 और 1 आ रहे हैं। 0 इसलिए बिकॉज नंबर सिस्टम के अंदर 0 को वैल्यू है, 0 मतलब आपका फर्स्ट और 1 मतलब आपका सेकंड, 2 मतलब आपका थर्ड। अगर आप 0 को इंक्लूड करते हैं तो 0 इज नथिंग बट योर फर्स्ट पोजिशंस। ओके नाउ अभी सीरियल 0/0 से जो मुझे हेलो पैकेट आया है वो कितने मिनट पहले आया है, सो 12 सेकंड्स, और सीरियल 0/0 से आया 14 सेकंड्स, और यहाँ पे उसका एक्यूरेट टाइम स्पैन आपको मेंशन किया गया है। चलो इसे हम कंफर्म करके देख लेते हैं। तो मुझे पता चल रहा है कि मेरा ये जो नासिक का राउटर है, इस पर्टिकुलर नासिक के राउटर पे जो दो इंटरफेस कनेक्टेड है, मतलब मेरे नेबर, वो है 172.255.192.2 जो कि है मेरा पूना का, नज़र आ रहा है ये आईपी जो सीरियल 0/1 पे कॉन्फ़िगर है, यही यहाँ पे नज़र आ रहा है। साथ ही साथ मेरा जो दूसरा नेबर है वो है 172.255.192.5 जो सीरियल 0/0 पे कनेक्टेड है। सो यू कैन सी नासिक का ये रहा मेरा नेबर सीरियल 0/0 पे कनेक्टेड, और ये रहा उसका पर्टिकुलर आईपी। तो इस तरह से हमने हमारे नेबर टेबल की जानकारी भी देख ली। अब यहाँ पे हम फिर से शो आईपी EIGRP कमांड टाइप करेंगे। अब मुझे यहाँ पे ट्रैफिक ये कमांड टाइप करनी है, देन क्वेश्चन मार्क। अगेन मैं चाहूँ तो यहाँ पे स्पेसिफिक AS नंबर भी डिफाइन कर सकता हूँ, हमारे केस में ये 199 फिलहाल के इस सिनेरियो के लिए कॉन्फिगर किया गया है, आपके कंपनी के अंदर AS नंबर कुछ भी हो सकता है। तो शो आईपी प्रोटोकॉल करके पहले आप चेक कर लीजिए एंड देन यू कैन यूज द नंबर। सो यहाँ पे मैंने एंटर दिया। सुनो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि हेलो पैकेट सेंड हुए, अपडेट सेंड हुए। सो तो शो आईपी EIGRP ट्रैफिक जब हमने यहाँ पे एंटर दी तो मुझे पता चल रहा है कि कितने हेलो पैकेट सेंड हुए और कितने हेलो पैकेट रिसीव हुए। तो ये सेंडिंग और रिसीविंग का स्ट्रक्चर है। तो देखा जाए तो कुल मिला के 467 हेलो पैकेट उसने सेंड किए और उसी तरह से उसको 2233 हेलो पैकेट रिसीव हुए। साथ ही साथ अगर कोई अपडेट मिला होगा तो कितने अपडेट सेंड, कितने अपडेट रिसीव, सो 25 सेंड हुए, 29 रिसीव हुए। क्यूरी मतलब अगर कोई नेटवर्क फेल है तो उस पर्टिकुलर नेटवर्क के जाने के लिए या फिर उस पर्टिकुलर डेस्टिनेशन तक जाने के लिए अगर आपने क्यूरी की तो कितनी क्यूरी सेंड हुई, कितनी रिसीव हुई, और अगर कोई क्यूरी करता है तो क्यूरी का रिप्लाई आप दे भी सकते हो या भी नहीं दे सकते हो। मतलब मान लीजिए मैंने मेरे 10 स्टूडेंट में से सबको पूछा कि बाबा मुझे आउट ऑफ नासिक जाना है, तो आउट ऑफ नासिक जाने के लिए या फिर नासिक में जो इंटरेस्टिंग स्पॉट है वहाँ पर जाने के लिए कहाँ से कौन से रूट को फॉलो करूँ। तो मैंने सवाल पूछा 10 लोगों को, लेकिन उस 10 में से किसी एक ने मुझे रिप्लाई दिया। तो क्यूरी पैकेट आप सबको सेंड करते हो लेकिन कोई भी एक ही उसे रिप्लाई करेगा, तो कितनों ने रिप्लाई किया, उसका स्टेटस क्या है, अगर आपने रिप्लाई किया हो तो आपका स्टेटस क्या है, साथ ही साथ ये एक्नॉलेजमेंट, क्लियर। तो इस तरह से आपके नेटवर्क के अंदर जितने भी ट्रैफिक सेंड होते वो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो। अब हमें यहाँ पे देखना है शो आईपी EIGRP लास्ट वाला जो है आपका टोपोलॉजी। तो राउटिंग टेबल देख लिया हमने, नेबर टेबल देख लिया, अब हमें राउटिंग टोपोलॉजी ये टेबल देखना है जहाँ पे आपका बैकअप पाथ भी मेंटेन हो सकता है। तो जैसे मैंने यहाँ पे एंटर किया, यू कैन सी शो आईपी टोपोलॉजी के बाद मुझे यहाँ पे कुछ कोड नज़र आ रहे, तो जिसमें से पी ए देन यू क्यू आर एंड स्मॉल आर। तो देखिए हमने शुरू में ट्रैफिक की कमांड देखी थी ना, तो जिसमें से हेलो पैकेट, अपडेट पैकेट, क्यूरी पैकेट, रिप्लाई, एक्नॉलेजमेंट, ये सब पैकेट से, तो इन पर्टिकुलर पैकेट का स्टेटस यहाँ पे मेंशन किया जाता है। नाउ अभी पी स्टैंड फॉर पैसिव, जैसे कि आपको नजर आ रहा है। तो देखिए जब EIGRP ऑन होता है ना, तो ऑन होने के बाद वो सभी नेटवर्क की इंफॉर्मेशन कैलकुलेट करता है और उसके हिसाब से जो सक्सेसर है, सक्सेसर मतलब आपका बेस पाथ जो अपने राउटिंग टेबल में एंटर किया जाता है, साथ ही साथ आपका बैकअप पाथ जो आपके टोपोलॉजी टेबल में रहने वाला है। सो जितने भी सक्सेसर्स अवेलेबल है उन सक्सेसर की एंट्री यहाँ पे कर देगा, जिसमें से पी इज़ नथिंग बट कि बाबा उसने कैलकुलेशन करके रखा है
सब कुछ ओके, बस आपको क्या करना है, पैकेट को बायपास करवाना है, ओके मीन्स एवरीथिंग इज ओके। उस वक्त यहाँ पे आपको हमेशा पी नजर आएगा। देन कम्स लेटर ए, कभी कभी यहाँ पे आपको ए भी आ सकता है। ए स्टैंड फॉर एक्टिव। अभी ये क्यों आएगा और कब आएगा? मान लीजिए कोई इंटरफेस बंद हो चुका है या कुछ पर्टिकुलर नेटवर्क को प्रॉब्लम आ चुकी है, तो उस पर्टिकुलर नेटवर्क के लिए अल्टरनेट पाथ जब ढूंढा जाता है तब यहाँ पे ए का स्टेटस आता है, मतलब ई आई जी आर अपना कैलकुलेशन कर रहा है, ही इज सर्चिंग द बेस्ट पाथ फॉर यू और यू कैन से द रिप्लेसमेंट पाथ फॉर द प्रीवियस वन, तब आपको यहाँ पे लेटर ए आएगा, क्लियर। लेकिन हमारे यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पी नजर आ रहा है, मतलब इसमें जो कुछ भी कैलकुलेशन करने थे वो कर लिए और वो अभी स्टेबल हो चुका है, बस उसको पैकेट को बाईपास करवाना है। नेक्स्ट यहाँ पे आपको यू नज़र आ रहा है, यू स्टैंड फॉर अपडेट। मान लीजिए किसी ई आई जी आर पी राउटर ने अपने अपडेट पैकेट सेंड किए तो ये आपको आपको अपडेट का सिंबल आ जाएगा। देन अगर किसी ने क्यूरी की तो आपको क्यूरी का सिंबल आएगा क्यू, और अगर आपने रिप्लाई किया तो यहाँ पे आपको रिप्लाई का सिंबल आएगा, और कितने रिप्लाई स्टेटस आपने सेंड किए उसकी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे देख सकते हो। तो देखा जाए तो हमने यहाँ पे कुछ शो कमांड देखी। सबसे पहले शो आई पी प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल की इन्फॉर्मेशन जानने के लिए। शो आई पी रूट, ये कमांड राउटिंग टेबल की इन्फॉर्मेशन देखने के लिए। देन हमने शो आई पी ई आई जी आर पी इंटरफेस, ये कमांड देखी जिसमें से हमारे इंटरफेस की जानकारी हमने ली। देन हमने शो आई पी नेबर, नेबर की इन्फॉर्मेशन चेक की कि हमारे नेबर कौन कौन है। उसके बाद में हमने शो ई आई जी आर पी ट्रैफिक, मतलब कितना हेलो पैकेट, कितने क्यूरी पैकेट और कितने रिक्वेस्ट पैकेट सेंड और रिसीव हुए उस पर्टिकुलर एज के लिए, ये हमने चेक किया। और फाइनली हमने यहाँ पे टोपोलॉजी करके एक कमांड देखी, सो शो आई पी ई आई जी आर पी टोपोलॉजी, जिसमें आपका एंटायर नेटवर्क की इन्फॉर्मेशन मिलेगी, जिसमें से पी स्टैंड फॉर पैसिव, ए स्टैंड फॉर एक्टिव। पैसिव मतलब सब कुछ ओके है, एक्टिव मतलब वो अल्टरनेट पाथ ढूंढ रहा है। इज दैट क्लियर? अब यहाँ पे मैं कुछ डिबग कमांड रन करके देखने वाला हूँ ताकि मुझे पता चले कि नेटवर्क में प्रॉब्लम है तो कहाँ पे है। सो डी बग आई पी ई आई जी आर पी, सो डिबग, सॉरी डिबग क्वेश्चन मार्क, तो क्वेश्चन मार्क से पता चला कि मुझे यहाँ पे ई आई जी आर पी यूज़ करना है। सो ई आई जी आर पी अगेन क्वेश्चन मार्क, सो देन कम्स योर पैकेट क्वेश्चन मार्क, कमांड इज कम्प्लीटेड। सो डीबग ई आई जी आर पी पैकेट एंटर देने पे अब यहाँ पे देखो अपडेट पैकेट, क्यूरी पैकेट, रिप्लाई पैकेट एंड हेलो पैकेट, जितने भी पैकेट से ना नेटवर्क में ट्रांसफर हो रहे थे उनके बारे में यहाँ पे वो स्टेटस अभी मेंशन करेगा। थोड़ी देर इसे हम चलने देंगे, बंद करना रहा तो आप यहाँ पे अन डीबग ऑल ये कमांड रन करके इसे बंद कर सकते हो। सो अन डीबग ऑल, माफ़ कीजिए, यहाँ पे अन डिबग ऑल, ओके सो अन डिबग ऑल, ऑल पॉसिबल डिबगिंग हैज स्टॉप। देखिए होता क्या है, जब आप ये पर्टिकुलर कमांड रन करते हो ना तो इमिजिएटली आपके सामने से वो जो वैल्यूज है वो मूव होने लगती है, तो उसे आपको बराबर से टाइप करना जरूरी है। तो यहाँ पे अन डिबग ऑल करके हमने उसे स्टॉप कर दिया। ऑन करने के लिए ये कमांड थी और स्टॉप करने के लिए ये कमांड है अन डिबग ऑल। अब हम इसे नेविगेट करेंगे कि बाबा अब तक क्या हुआ। सो जैसे हमने यहाँ पे ये कमांड टाइप की शो आई पी ई जी आर पी पैकेट्स डिबग वाली, तो मुझे यहाँ पे कुछ अपडेट क्यूरी और रिक्वेस्ट पैकेट सेंड एंड रिसीव हुए। तो सबसे पहले रिसीव हुआ, क्या रिसीव हुआ, हेलो पैकेट। कहाँ से रिसीव हुआ, सीरियल 0/0 से, जो कि मेरा नेबर है, तो नेबर ने मुझे हेलो कहा। बाद में मैंने सेंड किया, क्या सेंड किया, हेलो पैकेट। कहाँ पे किया, फास्ट इथरनेट 0/1 पे। उप्स यार, फास्ट इथरनेट 0/1 तो मेरा खुद का नेटवर्क है, मैं अपने खुद के नेटवर्क के ऊपर हेलो पैकेट क्यों सेंड करूँ, गेटिंग इट। अनवांटेडली मैं यहाँ पे अपने लोकल नेटवर्क का ट्रैफिक एक्सटेंड करवा रहा हूँ, बढ़ा रहा हूँ, क्यों, क्योंकि यहाँ पे मेरा स्विच कनेक्टेड है और बाय नेचर और बाय फीचर स्विच क्या करेगा, उसे प्रोपोगेट करेगा। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि जब आप यहाँ पे सिमुलेशन ऑन करते हो तो पैकेट अगर लोकल नेटवर्क पे ट्रांसफर हुआ तो स्विच उसे सब जगह पे ब्रॉडकास्ट करवाएगा, बराबर ना, जिससे क्या होगा आपका लोकल ट्रैफिक बढ़ता है। तो अब मुझे मेरा प्रॉब्लम पता चल चुका है, अब मैं क्या करूँगा,
इस फास्ट ईथरनेट 0/1 और फास्ट ईथरनेट 0/0 को बंद करूंगा। कौन सी कमांड से? ऑफ कोर्स द कमांड कॉल कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल पे राउटर ERP 199 पैसिव फास्टर 0/0 0/1 कंट्रोल सेट करके बाहर आ गए। अब हम फिर से यहाँ पे डीबग वाली कमांड रन करेंगे, डीबग ERP पैकेट। अगेन यहाँ पे पैकेट सेंड हो रहे, जब तक ये सीरियल टू सीरियल ट्रांसफ़र कर रहा है ना तब तक मुझे किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यहाँ पे उसने एक भी पैकेट लोकल पे मतलब फास्टर पे ट्रांसफ़र नहीं करना चाहिए। बंद करने के लिए आपको ये कमांड यूज़ करनी है अनडीबग ऑल, हमने इसे बंद कर दिया। नाउ यू कैन सी जितने भी पैकेट उसने सेंड या रिसीव किए हेलो पैकेट वो सिर्फ और सिर्फ सीरियल पे ही है, ओके, जिसमें से उनके नेबर की इंफॉर्मेशन यहाँ पे मेंशन की गई है। यहाँ तक क्लियर? तो ये था आपके ERP को कॉन्फ़िगर करना, उसके साथ ट्रबल शूटिंग करना। डिबग से हमने उसे चेक किया और साथ ही साथ हमने तीनों ही टाइप के टेबल्स को चेकआउट कर लिया, नेबर टेबल, राउटिंग टेबल और आपका टोपोलॉजी टेबल। तो आने वाले वीडियो में हम OSPF को कॉन्फ़िगर करेंगे, तब तक के लिए मैं हूँ आपका फैकल्टी गणेश सोनोने। आने वाले वीडियोज़ के लिए हम जरूर मिलेंगे हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। स्टिल देन बाय।